हो गई हमारी सुबह। गुड मॉर्निंग, ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले तेरी नज़र मेरी नज़र। सच में अपनी नज़र से हम अपने परिवार को देखते हैं, घर को देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और हम भी अपने बच्चे को भेजना चाहते थे अपने हिसाब से स्कूल में, और हम सोचे थे सुबह जो ही 3-4 घंटे तो हमको मिलेंगे, लेकिन भैया ये अनमोल पूरी शरारत में लगा रहता है। डीजे सर रहते, पर मैं तो स्कूल में एडमिशन कराया नहीं। क्या आपकी क्या राय है, डीजे सर को करा के जाना चाहिए था एडमिशन की नहीं? मैंने तो कहा था, लेकिन फैमिली प्लानिंग करके इन लोगों ने, मतलब फैमिली में प्लानिंग करके इन लोगों ने नहीं जाने दिया हमारे बच्चों को स्कूल। आपकी क्या टेक है कमेंट करके जरूर बताइए। और लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि भेजो स्कूल, कैसे भेज दें हम? तो चलो हम चलते हैं रूम में, और यहाँ हमारी लाडो रानी इंतजार कर रही हैं मालिश का। तो पहले हम जाएंगे, रोटी वोटी सेक लेंगे सारा, क्योंकि सिर्फ 2 रोटी सेके थे पापा के लिए, बाकी ये रोटियाँ सेक के आ जाते हैं। तो फिर लगेंगे हम लाडो रानी में, लाडो रानी की मालिश एंड ऑल ये सब करना है। मम्मी यहाँ साग वगैरह तोड़ रही थी और रोटी मैंने भर के रख दिया एक डब्बे में, छोड़ो खुल नहीं रहा। और चलते हैं उधर, और उधर क्या है तो इधर मैं कनिका के लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ, अनमोल के लिए भी नाश्ता। मैंने गीला चावल आज बना दिया है, आज मैं भी गीला चावल ही खाऊंगी, मेरा बहुत मन था। लेकिन थोड़ा गीला चावल जो है ना, गीला नहीं सूखा सूखा बन गया था, तो थोड़ा पानी मिला दिया हमने, मतलब बिल्कुल दूध वाला काम करती हूँ मैं आज। मैं दूध वाले वाला भी कुछ काम करूँगी आज, ऐसा ऐसा रिक्रिएशन करने वाली हूँ ना, वीडियो जरूर देखना, पूरा देखना। और नए होना तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और फैमिली रिएक्शन भी आज कैप्चर करेंगे। सासू माँ तो मतलब मुझे देख के डरी गई थी और बोली कि ये क्या है, मैंने ऐसा मेकअप किया था अपना, हल्दी लुक भी रिक्रिएट किया है और भी बहुत कुछ रिक्रिएट किया। चलते पहले कनिका को मालिश कर दिया मैंने, देखो तेल चुपड़ चुपड़ के, आजकल बड़ा बदमाशी करती है खाने पीने में, तो इसको खिलाते ही मैं जाऊंगी नहाने के लिए। और कनिका का हमेशा का हैबिट है ना कि इसको थोड़ा सा मालिश कर दो, खिला पिला दो ना, तो ये नींद से सो जाती है, बहुत गहरी नींद में सो जाती है कई बार। एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट आया है लखनऊ जैसे खूबसूरत से शहर से कि हमारे यहाँ आ जाओ, मतलब हमारे लखनऊ में, यहाँ पे आम बहुत ज़्यादा, यहाँ के आम फेमस होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। तो थैंक यू सो मच डियर, जब भी मौका मिलेगा तो हम लखनऊ जरूर आएंगे आपके वहाँ के आम के स्वाद चखने के लिए। थैंक यू सो मच। ओ बंद करने का इशारा दे रही है, ठीक है। लड्डू रानी खाना पीना हो गया, तब सो जाओ, खेलने में लगी है मैडम, हम तो चले धोने धलने। हो गए सारे कपड़े धुल दिए और मैं यहाँ आई हूँ खाने के लिए। तो दाल चावल रोटी चोखा साग सब कुछ एक साथ इसलिए ले लिया क्योंकि 11:30 बज चुके हैं और अब इसके बाद मौका नहीं मिलने वाला कि मैं निकल के वापस जाके कुछ खाऊं पीऊं, क्योंकि यहाँ से मैं जो रूम बंद करूँगी, सारे एडिटिंग व्लॉग अपलोडिंग सब कुछ मतलब करना है ना, तो मैंने रात में तो कुछ किया नहीं है, आज मैं दिन में ही करने वाली हूँ। और बहुत दिनों से मेरी हालत इतनी ख़राब हो रखी आँखों की कि मैंने सोचा कि कम से कम अभी मैं 3-4 दिन तो भरपूर नींद लूँगी रात में, और एडिटिंग ऐसे शाम में या फिर मतलब बीच बीच में टाइम निकाल के करूँगी, तो बस थोड़ा सा दिन भर भगदड़ रहेगा मेरे काम में। तो पहले इंजॉय कर लेते हैं लाल साग दाल चावल रोटी चोखा। और किस किस को अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये लाल साग, और मम्मी ना चना डाल के बनाती है, बहुत टेस्टी बनाती है। शाम में मैं खा रही थी दही बूंदी का रायता और ये सैलड, और बूंदी का रायता सैलड पता नहीं क्या है, मैंने बस ना सबको मिक्सअप करके खा लिया। कनिका भी देख के सोच रही हो मम्मी क्या खा रही है, छोड़ो भैया हटाओ इधर से ध्यान। और इसमें थोड़ा सा मिर्ची पाउडर नमक सब डाला हुआ है, मुझे तो अच्छा लगता है। अब चलते हैं लुक रिक्रिएशन करने के लिए। और यहाँ पे हमने ना मतलब मुझे कमेंट्स आए थे बहुत सारे कि पिंक मेकअप लुक रिक्रिएट करो, बट मेरे पास पिंक लिपस्टिक तो है नहीं। इसके साथ ही मुझे आज हल्दी लुक रिक्रिएट भी करना है, तो हल्दी लुक रिक्रिएट करने के लिए मैं ये वाला जो फूल वाला है ना, ये मैंने अपने हाथों से बनाए थे, ये कपड़े होते हैं स्टॉकिंग्स के या कुछ इस तरह के कपड़े होते हैं, उससे मैंने कभी बनाए थे, तो इसको इसमें से निकाल लेते हैं। और ये एक्स्ट्रा जो कपड़े बचे रह गए थे ना, उसके मैंने ये ऐसे ही फूल बना के छोड़ दिए थे, तो आज ये मेरे काम आ जाने वाला है हल्दी लुक रिक्रिएट करने में। तो यहाँ मैंने हल्दी लुक रिक्रिएट करने के लिए सारी चीज़ें रख ली हैं, लेकिन वो लुक ऐसा है ना कि देख के आप लोग डर जाने वाले। तो पहले हम लोग ना पिंक मेकअप लुक रिक्रिएट कर लेते हैं, इससे आप लोग डरोगे नहीं, ये आपको अच्छा भी देगा, आपकी आंखों को सुकून भी देने वाला है। और दिखाते हैं आपको कि हमारे पास क्या क्या है। तो ये झुमके हैं मेरे पास पिंक पिंक कलर के, बहुत कुछ हैं, लेकिन सबसे स्पेशली जिस चीज़ के लिए कमेंट आया है ना, पिंक लिपस्टिक होना चाहिए, तो पिंक लिपस्टिक तो हमारे पास नहीं है, लेकिन रेड लिपस्टिक से ही हम कुछ जुगाड़ करेंगे और ऐसे लगाएंगे कि वो पिंक ही लगे। तो चलो हो गया, हमारा सारा सामान इकट्ठा हो गया है यहाँ पे, 2 लुक रिक्रिएट करने के लिए सामान हो गए और ये सारा कुछ हो चुका है। और मेरा मोस्टली ना टाइमिंग अपलोडिंग से लेके सारा काम करते करते मैं शाम में फ्री हो जाती हूँ 5 बजे, कई बार 3 बजे 3:30 बजे भी फ्री हो जाती हूँ। जिस दिन मैं रात में ज़्यादा काम कर लेती हूँ ना अपना एडिटिंग और ये सब वाला, तो उस दिन मैं 3 बजे फ्री हो जाती हूँ, और कई बार मैं रात में नहीं कर पाती हूँ और तो फिर लेट लग जाता है। और आज मुझे 5 बज गए हैं क्योंकि मैं रात में सो गई थी, तो हो गया मेरा लुक रिक्रिएट, मतलब हुआ नहीं है। ये देखो ये है मेरा प्रॉपर लुक, कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। एक थंबनेल के लिए पोस्ट कर ले, तो फटक से कर लेते हैं थंबनेल के लिए बढ़िया सा पोज। और ये पिंक सूट हमारी ननद रानी ने हमें दिया था, जो कि हमें बहुत अच्छा लगता है, तो हम कई बार ये सूट पहनते हैं। अब चलते हैं हल्दी लुक रिक्रिएट करने के लिए, लेकिन उससे पहले थंबनेल के लिए कुछ सूट्स कर लेते हैं, 2-4
और ये काम मेरे बहुत काम है, मेरे ननद का दिया हुआ ये सूट मेरे लुक रिक्रिएट करने में, आपके कमेंट आए कि पिंक लुक चाहिए पिंक लुक चाहिए, तो उसमें बहुत काम आ गया, हेल्पफुल रहा, क्योंकि इसी से मैच करता हुआ मेरे पास सारा ज्वेलरी भी था। बस एक चूड़ी जो है ना वो पड़े पड़े पिंक से ऑरेंज जैसा शायद हो गया है, या हो सकता है मैं ना पिंक वाला डब्बा कहीं और रख दिया और ये ऑरेंज वाला डब्बा गलती से निकाल लिया था, बट कोई बात नहीं। और एक मांगटीका हैक शेयर किया है मैंने आप लोगों के साथ, वो शॉर्ट्स में जाकर देखना कि मांगटीका कैसे फंसाना है। मैं आज शाम तक अपलोड करूँगी वो 3 बजे तक, और नहीं तो कल भी हो सकता है कर दूँ, तो आप जाकर ज़रूर चेक करना उसमें मांगटीका सेट करने का हैक। और ये ऐसा मांगटीका सेट किया था ना जो कभी कहीं नहीं जाने वाला है, और उस पर कैसा भी हेयर स्टाइल बना सकते हो, बाल खुले भी रख सकते हो बट वो नहीं गिरने वाले हैं। और ये मेरा हल्दी लुक रिक्रिएट कर लिया, मेरा डरो मत भागो मत, मेरा हल्दी लुक सच में ऐसा था, लिटरली मैं बताऊँ ना तो 110% बिल्कुल यही लुक था। और मैंने ना घूंघट से अपना चेहरा छुपा लिया था, क्योंकि ना पूरे दिन सब इतना सारा काजल लगाते रहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा इतनी सारी औरतें हैं ना सब लगाएंगी काजल, और फिर उस सरसों तेल से मुंह घस देती हैं, और मेकअप के लिए पूछो ना थोड़ा लिपस्टिक लगा ले क्या, तो दादी लोग मना कर देती थी, और ये रो पंडित जी को लगा था कि मैं रो रही हूँ ऐसे घूंघट करके, बट हेल्दी के वक्त ना मैं रो नहीं रही थी, एक्चुअल में मेरा चेहरा ऐसा था ना कि सब लोग देख के डर के भाग ना जाए, और मैं शर्म से ऐसा चेहरा छुपा रखी थी, और कुछ इसी तरह का था, और कुछ दिमाग हमारा भी चल गया था कि हमने कुछ इस तरह के मांग टीका भी लगा रखे थे, तो बस वो लुक रिक्रिएट किया था। और उसके बाद मैंने सबके रिएक्शन कैप्चर किया, हमारी लाडो रानी तो देख के हंस रही है, सोच रही है मम्मी को झेलना पड़ेगा, ये डेली कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती हैं, कनिका हैबिचुअल हो गई है मेरी ऐसी हरकतों के शायद। कैसी लगी मम्मी? मम्मी ऐसी लग रही थी अपनी शादी में हल्दी में, कैसी लगी? अच्छी लगी। अच्छी लग रही है मम्मी? ये मुझे बहलाता है पुतला, तू नहीं हो, कौन है? नहीं तो डरा ही नहीं, मतलब हम मालूम सासू माँ को डराते हैं, चलो दादी को डराते हैं, चलो चले रुक जाओ, दादी को डरा दे, तुम तो डरे नहीं, दादी कहाँ है, दादी आएंगी तब ना डरेंगे, कहाँ गई दादी, इधर आई तो मम्मी हॉल में आ रही है, तब तक सासू माँ दिया बाती करके, क्या अनमोल कैसे लग रहे हैं हम, अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू, हमको तो कुछ अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है, चलो हॉल में चल के, अच्छा कनिका भी परेशान हो रही है मुझे देख देख, कनिका कैसी लग रही है मम्मी, तो दादी आएंगे तब ना उनको डराएंगे, बोल रहा है डरा दो दादी को, हाँ। हाँ। चलिए अब दिखाएं आपको हम अपना चेहरा, हाँ। तो क्या है हम लोग हल्दी कार्टून तो नहीं हूँ, तो कुछ यहाँ के स्पेशल क्लिप्स आपको शॉर्ट्स में देखने को मिलेंगे, सुबह सुबह अपलोड हुआ था, कौन कौन उस टाइम चाय पी रहा था और कौन कौन पानी जरूर सरका होगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, सुबह सुबह ही मैंने आज अपलोड करने का प्लान किया था और कर भी दिया। इसके साथ ही साफ कर लेते हैं, और पता है हम लोगों को ना 3-4 दिन तो ऐसे ही मेकअप में छोड़ दिया जाता है शादी के वक्त, और जब हम शादी के वक्त सज धज के आते बोलते कि अरे वाह कितनी सुंदर लग रही है भाई, इतना खतरनाक बना दोगे हमें, तो फिर हम शादी के जोड़ा में ढंग से तैयार होके आएंगे, ये साफ भी कर लो तो भी हम सुंदर लगने लगेंगे, तो ऑब्वियसली इसी वजह से हम लोग शादी के दिन ज़्यादा सुंदर हो जाते हैं, क्योंकि हमारा मेकअप ही कुछ ऐसा 2-3 दिन पहले से हुआ रहता है। तो चलते हैं, अब लगते हैं अपने दूसरे काम में जो कि है कपड़े फोल्ड करने के, 2-4 दिनों से रिक्रिएशन करके भाग जाती थी किचन में, और चाय वगैरह का टाइम हो जाता था, तो फिर बर्तन वर्तन धोलते थे चाय पी के, तो उसी में उलझे रह जाते, तो आज मैंने सोचा ना कि पहले रूम के सारे कपड़े फोल्ड कर लेते हैं, मम्मी भी अभी पूजा में बैठी हैं शाम के और टाइम, पूजा में दिया बत्ती करने के बाद थोड़ी देर पूजा कर लेती हैं, तो उतनी देर में हम ना इधर चाय वाय बना के पी लेते हैं, और थोड़े से चाय वाले जो बर्तन होते हैं वो सब धुल लेते हैं, तो आज हम सोचे कि चाय लेट से ही पियेंगे, क्योंकि वो दही वाला जो नहीं खाया था मैंने वो सैलड डाल करके, तो थोड़ा सा पेट भरा भरा हुआ सा था, हो गया है रिक्रिएशन, फटक से कपड़े फोल्ड कर दिया, और ये बार बार मैं हाथ ऐसे लगा रही थी ना क्योंकि अनमोल है इधर साइड बैठा हुआ,
जो कि दादाजी से मतलब अपने दादाजी से छुप के उनका फ़ोन लेके भाग आया है और उधर साइड बैठ के लेके फ़ोन में चला रहा है कुछ कुछ, तो कुछ कुछ क्या चलाता है वो बच्चे जो वाले जो नहीं रहते हैं कार्टून वगैरह, तो वही वो देख रहा है बैठ के। तो उतने देर में हम जल्दी जल्दी फोल्ड करके भागेंगे किचन में, और आज मेरा कुछ खाने का मन नहीं है क्योंकि मैंने शाम में ही वो दही वाला खाया है और चाय तो मैं आजकल पता नहीं कितनी बार पी लेती हूँ, मुझे खुद ही याद नहीं रहता है। बीच बीच में कभी भी चाय बना के ले आती हूँ पी लेती हूँ, और थोड़ा सा ना रात में नहीं कर पाते हैं ना एडिटिंग, तो दिन में थोड़ा सा ना दिमाग ऐसे उड़ा उड़ा सा हो जाता है क्योंकि दिन में ही सारा कुछ करना पड़ जाता है, एडिटिंग से लेके अपलोडिंग से लेके सब कुछ, तो थोड़ा लोड बढ़ जाता है। और आज कुछ ऐसा ही हुआ था क्योंकि मैं रात में सो गई थी और मेरी आँखों का जो रेडनेस है ना वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। मेरी मम्मी भी कॉल करके बोल रही थी कि तुम्हारी आँखें रेड रेड क्यों रह रही हैं, तो मैं सो ही नहीं पा रही हूँ, तो रेडी रहेंगी ना। और मैंने सोचा कि इधर अभी मैं 2-3 दिन पूरी नींद लूँगी, और रात में मैंने सोचा है ना कि जल्दी फ्री होकर के एडिटिंग कर लूँगी अपना, जिससे कि मुझे दिन की भी परेशानी ना झेलनी पड़े, रात की भी परेशानी ना झेलनी पड़े, और मेरी एडिटिंग 10-11 बजे तक हो जाए, ये कोशिश तो है मेरी। तो ये कोशिश के चक्कर में आज मैंने सोचा कि आज मैं कुछ खाऊँगी नहीं, क्योंकि अगर खाऊंगी तो फिर मुझे पहले बनाने में लगना होगा, और आज मेरा बिल्कुल मन नहीं है, मेरा हालत बहुत आँखों का ख़राब हो चुका है। तो मैं जा रही हूँ जल्दी जल्दी ये रूम ठीक करके, दूध वगैरह बॉयल कर देती हूँ और मैं एडिटिंग कर लेती हूँ सारा का सारा दिन का। और कभी कभी मुझे ऐसे करना पड़ेगा एक आध बार ऐसे जुगाड़ रात में, ताकि मैं दिन रात में मतलब मैं सो पाऊँ चैन से, क्योंकि मेरी हालत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जा रही है नींद की वजह से, और बहुत ज़्यादा मेहनत भी लग जाता है। तो उसके लिए आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बस कर देना, इतना ही चाहिए। देखो वो रहा अनमोल, यहाँ था, चलते हैं हम लोग किचन में और देखते हैं कि क्या क्या काम बाकी है। तो कुछ दो यहाँ पे दूध आ रखा है तो दूध को बॉयल करने के लिए चढ़ा देते हैं। मम्मी अभी पीछे साइड वाले इधर से उधर साइड रूम दिख रहा है दरवाज़ा, उधर ही साइड पूजा वाला रूम है, तो मम्मी शाम में चली जाती हैं पूजा पाठ में, और फिर इसके बाद हम इधर कर लेते हैं दूध बॉयल। और शाम में कुछ बर्तन हम नहीं रहते ना किचन में, तो मम्मी भी धो देती हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे ही आके धोना, मम्मी आज धो दी थी कुछ बर्तन वगैरह थे जो, क्योंकि मैं आपने देखा मैं कपड़े फोल्ड करने में लगी थी ना, तो मम्मी ने इधर धो दिए हैं सारे। तो मैं पानी, मैं किचन में आते से मेरा सबसे पहला काम होता है पानी पीने का, जो कि मैं पी लेती हूँ, उसके बाद ही मैं लगती हूँ और एक गिलास भर के वहाँ सामने रख भी देती हूँ, क्योंकि आटा वगैरह सानती हूँ ना, अभी आटा भी सानूंगी, तो आटा वगैरह सानती हूँ ना, तो थोड़ा सा मेरा वो प्यास मुझे लगता है और उठी सकते सकते, तो मैं 3-4 ग्लास पी जाती हूँ पानी। तो सबसे पहले दूध को छान लेते हैं, और सॉरी मैं आटा नहीं सानने वाली हूँ क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि मुझे खाना नहीं है और बाकी लोगों का अभी सब लोग इधर उधर है, तो मम्मी आएंगी पूछेंगी कितना को किसको क्या खाना है, तो उस हिसाब से हम लोग आटा सानते हैं। तो अभी नहीं सानने वाला है आटा, मम्मी बाद में सान लेंगी, क्योंकि मैं दूध बॉयल करके और मैं यहाँ से जाने वाली हूँ एडिटिंग करने के लिए। और कनिका का ज़रूर मैं सारा काम कर लूँगी, जैसे कि कनिका को मालिश करना है, उसको खिलाना पिलाना, एक बार अभी खिलाऊँगी, उसके बाद एक बार जब मेरा एडिटिंग कंप्लीट हो जाएगा ना करीब 10:30 बजे, अभी 8 बज रहे हैं, तो इसके बाद मैं सीधे 10:30 बजे उसको थोड़ा सा फिर खिलाऊंगी कनिका को, और फिर ही सुलाऊंगी उसको, और मैं एक ग्लास दूध पी लूंगी। तो लाइटर ढूंढना सबसे टफ काम होता है अनमोल की वजह से, और मिल गया लाइटर। और मम्मी से मैंने आवाज़ लगा के पूछा, मम्मी पूजा पे थी वैसे, तो वो मुझे नहीं पता था कि वो बोलेंगी भी कि नहीं, लेकिन आप बोल दिया उन्होंने कि ऊपर रखा हुआ है चढ़ा के, तो फिर मिल गया। और इसके बाद ये दूध वाला बर्तन जो भी अभी इकट्ठे होते हैं बर्तन, ये धो के हटा देते हैं, और फिर चलते हैं हम रूम में और कर लेते हैं अपनी सारी की सारी एडिटिंग, क्योंकि जब एडिटिंग हो जाता है ना तो मुझे पूरी रात चैन की नींद आती है, उसके साथ मैं दिन में भी बहुत आसानी से काम कर पाती हूँ, और आधी रात भर एडिटिंग करती रहती हूँ तो मैं ना सो पाती हूँ ना एडिटिंग ही कर पाती हूँ। तो मैं आज सोची हूँ कि इस टाइम पे कर लूँ, और रांची में मैं मोस्टली इस टाइम पे किसी किसी दिन रात में मैं कुछ बनाती नहीं थी, मैगी वगैरह और ये सब बन जाता था या दलिया बन जाता था, गीला चावल बन जाता था, और मैं अपनी एडिटिंग वाला काम कर लेती थी। तो ये देखो कनिका की मालिश के लिए सारा कुछ मैं लेके आ गई हूँ, कर देते हैं कनिका की मालिश। ओह नो, ओहो मेरे कराले कपड़े अच्छी पले रह गए हैं, पहले कनिका को होगी मालिश, यहाँ पे है ना कनिका, मालिश करवाना है अनमोल को ना। देखो लड्डू ने क्या किया, सिर अलग गिरा दिया आज, कितना बदमाशी किया इसने, कल गिराई थी, आज गिरा दी है, दे दो मैं खुद लगा लेता, नहीं नहीं हम लगा देते हैं, चलो पकड़ के रखो आ रहे हैं। कनिका ने गिरा दिया थोड़ा सा लग, और मुझे वापस से बना खिलाना पड़ा। कनिका की मालिश के बाद अनमोल कह रहे थे कि उसकी भी मालिश कर दो, तो मैंने बोला अनमोल को मालिश कराना है, तो बोलता है हाँ, और फिर उसके बाद तो उसने ले लिया, छीन लिया कि नहीं मैं खुद से करूँगा मालिश, बट इसको ज़बरदस्ती लगा ही देंगे। तेल लगाने के बाद ये बहुत रोता है, ज़बरदस्ती जैसे जैसे लगा देती हूँ फिर भी मैं। और ये देखो लड्डू रानी आज लगी है मस्ती में, और किस किस को मिलता है ऐसा घर में हेड मसाज, फेस मसाज, जो कनिका मुझे अभी दे रही है फ़िलहाल, और इतना ज़्यादा खेलती है ना कई बार मेरे बाल से और
फेस से और हंसती भी है, पता है उसको समझ में शायद आ जाता है कि मैं ऊपर इरिटेट हो रही हूँ तो हंसने लगती है बहुत जोर से। तो मैंने ना अभी पूरा का पूरा कैप्चर किया है उसका, और एक ना शेर की तरह से ओह ओह करके दहाड़ती हुई है, सब कुछ अभी मैंने कैप्चर किया। आप लोग देखो, इन्जॉय करो, और फिर मिलते हैं यहाँ से आगे में। मेरा वॉइस ओवर होगा, आवाज़ सुनने को मिलेगा, अभी फिलहाल आपको कनिका कहीं आवा जो भी है वो सुनने को मिलेंगे। क्या बना दिया तुमने हमको? क्या बना दिया? कनिका लड्डू बोलो, अरे लड्डू इतनी उदास क्यों लग रही है? लड्डू आज लड्डू उदास है। देखो कैमरा बंद होते ही ये लड़की क्या कर रही है मेरे से। देखो देखो ए लड़की, लड्डू रानी हमारी थक गई हैं, और बीच बीच में मैं अपनी एडिटिंग भी कर रही थी, और मेरा एडिटिंग करीब करीब अभी 70% कंप्लीट हो चुका है। और मेरी आंखें, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो, और नहीं दिख रहा ना, मैं लाइट ऑन करके दिखाती हूँ आपको। ये देखो, लाइट्स ऑन करने के बाद मेरी आँखों के अंदर अंदर आपको रेडनेस दिख रहा होगा, जो कि शायद किसी को ना दिखे। और मैं नींद से पागल हो चुकी हूँ, बहुत हो गया।
जगना रात का, आज नहीं जगूंगी मैं, बिल्कुल नहीं जगने वाली हूँ, क्योंकि मैं जान रही हूँ मेरी क्या कंडीशन है और मेरी क्या हालत है, किस किस को नींद के मारे ऐसे हालत हो जाता है। और कूलर का थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ा, ये हमारा देसी जुगाड़ है जो कि इसी से कूलर चलता है। ये देखो ब्रश डालने के बाद ही एक बार से स्टार्ट होता है, हो गया स्टार्ट, डर लगता है कहीं ब्रश अंदर ना चला जाए, फिर कल बिना ब्रश के उनको नाश्ता और खाना खाना पड़ेगा। ये देखो लड़ रही कैसे कूद रही, लेकिन अभी वो जाएगी थोड़ी देर, और क्योंकि अनमोल आ गया और अनमोल जिद करके लेके जाएगा तो दादी माँ के साथ खेलेंगे दोनों बच्चे थोड़ी देर। उतनी देर में मैं बची कुछ अपनी एडिटिंग जो है वो भी पूरा का पूरा कंप्लीट कर लूँगी। कभी कभी बहुत प्यार से खिलाता है अनमोल, और यहाँ मैंने कनिका को फुल पैंट पहना दिया है, रात के टाइम ही डायपर पहना रही हूँ फिलहाल मैं, दिन में कोशिश कर रही हूँ कि बिल्कुल ना पहनाऊँ, पैंट में ही रखूँ। और कई बार ऐसा हो रहा है कि पैंट सारे भिगा दे रही है कनिका, तो फिर डायपर पहना। अच्छा कनिका तुम्हारी बहन कैसी है? कैसी है? अच्छी। ये देखो ये देखो ये देखो। और तुमने खाना खा लिया? मैंने खा लिया। क्या खाया अनमोल ने खाना? ये देखो मम्मी। क्या है क्या है? देखो ये अनमोल का छोटू सा दिल है ना? दिल देखो, आपको दिल दीवाना। वो देखो कहाँ है, कहाँ है दिल तुम्हारा दीवाना? अरे वाह, दिखा 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 दिखा, कूद कूद के दिखा, जा कहाँ चला गया? ये क्या है अनमोल? ये हमारा है तोपा, हमारा है ये तोपा है। ओहो तोपा है इसका, तोपा तोपा पे बदल दो, चोट लग जाएगा। जादू बाबू बाबू अब ये देख लो, रात ने कनिका कई बार जगी रहती है, अभी 11:30 होने आ गए और अभी तक लाडो रानी हमारी जगी हुई है, इनके कपड़े ही चेंज हो रहे हैं पूरी रात।